रहमानिरहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रही हूँ, प्लीज़ आप लेके देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने नहीं देखा वो सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा लगता है देख करके, मतलब सब लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये छोटी छोटी रेसिपियाँ होती हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से बनाता है, मैं भी अपने स्टाइल से बनाती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, बहुत लाइट मिर्चे हैं उसमें। और अब देखिएगा, हर आदमी का, मैं कह रही हूँ ना, अपना स्टाइल होता है। ये देखिएगा, मैंने इसमें तेल डाला है कि कढ़ाई में तेल डालता है ज़रा, थोड़ा सा, 1 कप तेल है ये। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें पहले ये लहसुन अदरक डालूँगी। ये गया लहसुन अदरक, इसमें कम से कम 2 से 2.5 चमचे हैं। अच्छा, इसकी तेल कर दूँ ज़रा मैं, और इसको ज़रा सा भून दो, और लहसुन अदरक को जरा मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा भी रखा है, क्योंकि ये मैं चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। चिकन कढ़ाई हर आदमी अपने अपने स्टाइल से बनाता है, अपने अपने तरीके से बनाता है, कोई चाहे उसको उबाल के बनाता है, कुछ कैसे बनाता है, कुछ कैसे बनाता है। टमाटर गया, और इसमें एक घूंट पानी डालेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। मसाले मैंने क्या डाले थे, ये रहा नमक, ये 3 इलायचियाँ, ये गरम मसाला, ये पिसा हुआ धनिया, और ये पिसी हुई कुटी हुई मिर्च है, और ये कश्मीरी मिर्च है, और ये हल्दी है, और ये ज़ीरा है, ये कसूरी मेथी है, और ये लाल मिर्चें हैं। ठीक है, तो इसको हम सारे को इसी में डाल देंगे। मैं इसको भून रही हूँ ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, कुछ लोग पहले चिकन को कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती। इसमें क्रीम भी जाएगी, वो मैं लास्ट के पार्ट में डालूंगी। जब लास्ट में डालूंगी ना, थोड़ी सी 1 चम्मच क्रीम का भी जाएगा। बहुत मज़े की बनती है चिकन कढ़ाई, है झटपट वाली है। भूख लग रही कहते हैं ना भाई, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। चलो भाई, जल्दी से चिकन काटिए, बनाया और ये तैयार। देखें, अब ज़रा सा हो गया, टमाटर नरम हो गया, सच्ची नरम हो गई इसमें। अब मैं ये जो चिकन मैंने धो के रखी हुई थी, ये मैं इसमें इसमें सब डाल दूँगी। अब बस ये भुनते भुनते गल जाएगी, भुनते भुनते ये चिकन इसमें। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और पूरा करती हूँ हल्का, ताकि ये गल जाए। बस मैं कुछ पानी नहीं डालूँगी, ये इसी में गलेगा। ये देखिएगा, मैंने इसको भून लिया, पूरा मसाला इसका ड्राई हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये क्रीम है, ये क्रीम है, क्रीम को मैंने थोड़ा सा गर्म किया था ताकि वो गीली गीली ना हो। और ये 1 कप इसमें ये दही जाएगा, इससे ज़रा ग्रेवी बनेगी। इसको भूनते भूनते बस मैं तैयार कर लूंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया अभी डालती हूँ, थोड़ा सा बाद में डालूंगी। बंद कढ़ाई माशाल्लाह से,
और ये देखें कलर देखें माशाल्लाह कितना सुनहरी कलर आया है। मैं करूँगी चूल्हा बंद, ये कढ़ाई बन गई, चूल्हा बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें बॉल में निकाल देंगे, बड़े बॉल में देखिएगा। मैं अब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और फिर हम क्या करेंगे डाल दिए इसमें हम करेंगे कि थोड़ा सा आज खा के भी बताएंगे आपको। ये देखें माशाल्लाह झटपट वाली कढ़ाई है वैसे देखा जाए तो। मैं तो इसका थोड़ा सा मसाला ही लूँगी और ये बस इतना, और जब तक ऐसे तेल ना डले ना तो कढ़ाई में मज़ा नहीं आता। तो मैं फिर आपको एक लकमा, और यकीन मुझे यकीन है बहुत मज़े की बनी होगी, तो ये देखें खा के बताती हूँ भी आपको। बहुत गर्म है, संभाल के खानी पड़ेगी। बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, और बस अल्लाह करे आपको पसंद आए, ज़रूर बनाइएगा, शेयर कीजिएगा। और कढ़ाइयाँ कई तरीके की बनती हैं लेकिन ये सांध के बनती है, बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी नहीं देखा वो सब्सक्राइब करे। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।